मोतीलाल वोरा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त। आपको बता दें कि राहुल गांधी के माने जाते हैं करीबी, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मोतीलाल वोरा। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आपको बता रहे, आज कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया और सारा सस्पेंस खत्म कर दिया, और आखिरकार कह दिया कि अब मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं। और अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है मोतीलाल वोरा को, और इसी के लिए आपको बता दें कि राहुल के बेहद करीबी माने जाते हैं मोतीलाल वोरा। और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं मोतीलाल वोरा। आपको बता रहे, बड़ी खबर, राहुल गांधी ने अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा जो दिया था उसको वापस लेने से इनकार कर दिया। आज सारा सस्पेंस खत्म हो चुका है और इसी के लिए मोतीलाल वोरा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष चुने गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी और साथ ही मीडिया से भी बातचीत में कहा कि अब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हूं, पार्टी जल्द से जल्द नया अध्यक्ष बने, और साथ ही ये भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में अब मैं कहीं भी नहीं हूं। आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला लोकसभा चुनाव 2019 में जो कांग्रेस को हार मिली है उसके लिए किया गया है। राहुल गांधी ने इस पूरी हार की जिम्मेदारी ली है। समझाइश का प्रयास लगातार किया जा रहा था, कई बैठकें हुई, लेकिन राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिया था उसको वापस लेने से इनकार कर दिया, और आज आखिरकार ये सस्पेंस खत्म हो गया है। मोतीलाल वोरा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष चुने गए हैं। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में भी इसका ऐलान किया और साथ ही ट्वीट भी किया और इसकी जानकारी दी। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। जी प्रीत, बताएं, एक बड़ा फैसला राहुल गांधी का। जी बिल्कुल, बेहद चौंकाने वाला फैसला है। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी ये बोल रहे थे कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं, आप अध्यक्ष नहीं रहना चाहते और एक नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाए जिस प्रक्रिया में वो शामिल भी नहीं होंगे, CWC इस नए अध्यक्ष को का चयन करेगी। ऐसे में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल दिल्ली के मुख्यालय पहुंचकर यहां पर उनको अध्यक्ष बने रहने की अपील की, इसके लिए धरना किया, कुछ कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल भी की, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी जो मांग है, तमाम जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने भी मुलाकात की, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 5 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, उनको अध्यक्ष बने रहने की अपील की। सभी मांगों को जो है सिरे से खारिज करते हुए राहुल गांधी ने अपना जो इस्तीफा है वो ट्विटर पे सार्वजनिक कर दिया है, ये कहते हुए कि अब वो किसी भी तरीके की हिंसा जिस तरीके से विपक्ष बीजेपी कर रही है उसमें ना पड़ते हुए पार्टी को और आगे बढ़ाने पर विचार करते हुए, पार्टी को नए सिरे से नए तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काम करते हुए राहुल गांधी पार्टी से जुड़े रहेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब वो अध्यक्ष नहीं रह सकते और अध्यक्ष के नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में जो है उनका कोई योगदान नहीं रहेगा, ये पार्टी का निर्णय होगा कि पार्टी अब नए अध्यक्ष को के तौर पर किसको चुनती है। जी जी प्रीति, बताएं, बेहद चौंकाने वाला ये फैसला आया है आज, तो इसके बाद आप क्या जानकारी मिल रही है, क्या विपक्ष के खेमे में क्या कुछ हलचल देखी जा रही है अब इससे? देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पे एक आरोप लगाया है राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कि उन्होंने हिंसा का की बात की, कि मोदी सरकार की हिंसा की वजह से कांग्रेस को इतनी बड़ी पराजय देखनी पड़ी। उन्होंने ये कहा राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पे आरोप लगाते हुए कि वायनाड और कोलकाता में ही या पश्चिम बंगाल में ही क्यों हिंसा हुई जबकि चुनाव जो है पूरे देश में लड़ा गया। ऐसे में राज्यवर्धन सिंह राठौर की तरफ से सबसे पहले राहुल गांधी के इस्तीफे पे प्रक्रिया आई, उन्होंने कहा आइडिया ऑफ कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया है, यही वजह है कि राहुल गांधी अपनी हार को अभी तक जो है स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और राहुल खुद इस्तीफा दे रहे हैं। तो आप राहुल गांधी को क्या कुछ करना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मनाने का प्रयास किया लेकिन अब नहीं माने, उनका इस्तीफा सार्वजनिक हो गया है। अब देखने वाली ये बात होगी कि पार्टी CWC के तौर में किस नए अध्यक्ष को चुनती है। हालांकि नाम जरूर चलाए गए पिछले दिनों की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को
जरूर नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या फिर कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आई कि केसी वेणुगोपाल से अध्यक्ष बनने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने नकार दिया। लेकिन फिलहाल अभी जो है औपचारिक तौर पर CWP की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि अध्यक्ष कौन होगा। जी प्रीति, बताएं कि लगातार समझाइश का भी दौर चला, बैठकों का भी दौर चला, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे, और अब क्या जानकारी मिल रही है, क्या संभावना है, कब तक अध्यक्ष नया चुना जाएगा? देखिए, जब से राहुल गांधी ने इस्तीफे की बात की है, पार्टी में कोई भी संगठन में किसी भी तरीके की हार की समीक्षा बैठक नहीं बुलाई गई है। तो अब सबसे पहले जो है जिस तरीके से CWC के तमाम सभी सदस्य जो है भंग कर दी गई थी, अब एक नई CWC का गठन होगा और CWC के गठन के बाद जो है एक नए अध्यक्ष को चुना जाएगा। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में थे, जो कि जयपुर रवाना होने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से खबरें आई कि राहुल गांधी इस्तीफा आज सार्वजनिक कर सकते हैं, इसे देखते हुए तमाम जो है कयासों को देखते हुए राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से मुलाकात अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, और अब जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में ही रुके हुए, आगे किस तरीके की बैठक बुलाई जाएगी कुछ दिनों में, आने वाले एक सप्ताह में उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बेहद अहम बैठक बुलाई जाएगी, और उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि CWC की बैठक कब बुलाई जाए और जिसमें एक नए अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दे, बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आखिरकार अपनी बात पर अड़े रहे और अपना इस्तीफा लेने से अब साफ इनकार कर दिया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।